तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जेंट्स कुर्ते के लिए जो साइड पॉकेट होता है जिसको कली वाली जेब बोलते हैं, उसके लिए हम आपको बताएंगे किस साइज के लिए पॉकेट की लंबाई कितनी रखें और पॉकेट की चौड़ाई कितनी रखें, ठीक है। और ये भी हम बताएंगे आपको ऊपर से कितने इंच पर लगानी है, नीचे से कितने इंच पर लगानी है। तो हम दो तरीके से बताएंगे, जैसे कि मैं ये देखिए दोस्तों कि साइड पॉकेट इसको हम कली वाली जेब भी बोलते हैं, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे किस साइज के लिए कितनी चौड़ी रखें और ये देखिए यहाँ से कितनी नीचे को रहना चाहिए। तो ए टू जेड हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉकेट दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो शेप ये वाला होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं नोकदार दिख रहा है, थोड़ा तिरछा है। और एक ऊपर से जो पॉकेट होता है इस तरीके से होता है, राउंड शेप बना होता है। तो दोनों पॉकेट हम आपको इस वीडियो में कटिंग करके दिखाएंगे। पॉकेट का सारा फॉर्मूला होता है जो ये देखिए, तो यहाँ से ऊपर से जो निशान है ये देखिए, ये मोड़े का है, ये कमर का है। इसके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले हैं, इस पर हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना रखे हैं। तो हम आपको हिप का निशान बताएंगे, क्योंकि पॉकेट जो साइड पॉकेट जो कली वाली जेब होती है वो हिप के निशान के अकॉर्डिंग ही हम लगाते हैं, हिप के हिसाब से कितना ऊपर को उठाकर लगानी। तो हम आपको बताएंगे ऊपर से यहाँ पर ये वाला जो हिप का निशान है जहाँ से हमारे चाक ओपन किए जाते हैं, ये कितने इंच पर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ से एक निशान लगाते हैं हिप का, ठीक है। ये देखिए ये जो यहाँ से जो नीचे को सबसे लास्ट वाला निशान है वो हिप का निशान होता है, जो घेर के पास होता है, ये देखिए देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हिप का निशान होता है। तो ये आपको किस साइज के लिए कितना लगाना है, नॉर्मल जो कुर्ते होते हैं नॉर्मल साइज के, उनके लिए ऊपर से हम ये देखिए इंची टेप जब यहाँ से रखते हैं तो 24 इंच पर निशान लगाते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा हैं तो 25 इंच भी लगा सकते हैं। और जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, जैसे कि किसी का पजामा 41 या 42 इंच लंबा है, तो उसके लिए आप 26 या 27 इंच का निशान भी लगा सकते हैं हिप का, ठीक है। क्योंकि पॉकेट को हिप के निशान के हिसाब से लगाना होता है, इसलिए मैं आपको हिप के निशान के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो हमने हिप के निशान के बारे में आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमको एक कट लगा लेना होता है, ठीक है। ये देखिए हमें एक कट लगाना होता है जहाँ से चाक ओपन होते हैं, उसके बाद इसी हिप के निशान से फिर हमको 2 इंच का निशान एक और लगाना होता है। ये देखिए ये तो हमारा चाक हो गया, ठीक है, और ये हमारा करीब यहाँ से 2 इंच हो गया। अब यहाँ से उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक पॉकेट, यानी पॉकेट का मुँह कितना रखना है। ये देखिए जो हम पॉकेट में हाथ डालते हैं, ये देखिए साइड से ये वाली जगह की बात कर रहा हूँ, ये हमें कितना रखना होता है ताकि हमारा हाथ आराम से पॉकेट के अंदर चला जाए, ताकि हमारा हाथ फंसना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा लूज भी ना हो। तो हम आपको बताएंगे ये वाली जगह आपको ये मुंह कितना रखना है। तो वो जो हमने हिप का निशान लगाया है, उसके बाद ये 2 इंच का लगाया है, अब उसके बाद हम पॉकेट के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस पर 6 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ किस साइज़ के लिए कितना रखना है। तो एक कट ये लगा लेना है और एक कट ये। देखिए दोस्तों ये हमारा पॉकेट का निशान हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पॉकेट लगेगा। तो अब आपको कन्फ्यूज़न यहाँ होती है, आप बहुत सारे जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि हमको ये पॉकेट कितना रखना है। तो बहुत ही आसान फार्मूला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा चेस्ट होता है, सीना होता है, ठीक है, उसका नाप बिल्कुल फिट में लेंगे, यानी जितना नाप होता है उतना नाप लेंगे और उस चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी 6 से, यानी 6 जगह उसको भाग करेंगे। जैसे कि 36 इंच चेस्ट है, 36 इंच सीना है, तो उसको अगर 6 जगह भाग करेंगे तो होता है 6 इंच, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक 6 इंच रख लेना है। तो जैसा कि ये आप समझ गए होंगे, तो हम आपको दो तरीके से पॉकेट कटिंग करना बताएंगे दोस्तों। तो ये देखिए ये हमने इस तरीके से, तो एक का शेप तो ये होता है और एक का शेप ये होता है, इन दोनों के लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप कुर्ता पैजामा की फुल कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल अकील फैशन डिजाइनर पर जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो पहले हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। जितना भी चेस्ट होगा, ठीक है, उसका भी आपको 6वां भाग करना, यानी 6 से 6 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 36 इंच चेस्ट है तो 36 का 6वां भाग किया तो होता है 6 इंच, ठीक है। तो हमको उतना ही रख लेना है चौड़ाई में, आप चाहें तो आधा इंच और बढ़ा सकते हैं, यानी 6 से, यानी 6 से 6वां भाग करने के बाद जितना बनेगा तो आप चाहें उससे आधा इंच चौड़ाई और बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कर लेते हैं लंबाई की बात, लंबाई कितनी रखनी है। देखिए लंबाई के लिए आपको क्या, मैं फिर आपको उसी कुर्ते पर लेकर चलता हूँ। तो जैसे कि ये देखिए हमने पॉकेट का मुँह जो है, पॉकेट के लिए हमने 6 इंच रखा है, ठीक है। 6 इंच जो हाथ डालने वाली जो जगह होती है वो हमने 6 इंच रखा है। ये 2 इंच का लगाने के बाद जो 6 इंच का निशान लगाया है, तो हमको यहाँ पर तिहाई हिस्सा रखना है, यानी अगर वहाँ पर 6 इंच रखा है तो हम यहाँ पर 18 इंच रखेंगे, ठीक है।
तो जैसे कि वहाँ पर पॉकेट का मुंह 6 इंच है, तो 6 * 3 = 18, ठीक है। तो 18 इंच रखने के बाद आपको 1 इंच और ऐड कर लेना है, उसमें 1 इंच और जोड़ लेना है, 19 इंच रख देना है। तो ये देखिए, तो ये अगर हमने यहाँ पर 6 इंच रखा है तो उसको आप 3 जगह और यानी तिहाई बढ़ाकर रखेंगे, जैसे कि 6 * 6 = 6, 6 * 2 = 12, 6 * 3 = 18, ठीक है ना। तो ये 3 भाग हो गए। इस तरीके से आपको 1 इंच और ऐड कर देना है, तो उसकी लंबाई 19 इंच ले लेनी है, ठीक है। इस तरीके से ये लंबाई 19 इंच। अब बात कर लेते हैं इसका, ये देखिए जो राउंड शेप बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से या इस तरीके से, वो हम कितना रखेंगे। और ये देखिए थैली जब बनाते हैं उसकी पॉकेट के लिए, वो हम मोड़ कर कितनी रखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। तो ये देखिए पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे आप, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से रख दिया हमने। तो दोस्तों जेंट्स कुर्ते में जो साइड पॉकेट लगता है उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं किस साइज के लिए कितना रखें। अब हम सबसे पहले आपको ये वाला दिखाए थे तिकोना वाला, ये सबसे पहले हम इसका करेंगे 2 इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद इसको हम क्रॉस मार्क लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद ये हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये देखिए ये वाला ये तिरछा जो है जी, जब ये जब रखा जाता है, जब जैसे कि चौकोर घेरा है कुर्ते का तो आप इस तरीके से रखेंगे, और अगर गोल घेरा है यानी गोल दामन है तो आप इस तरीके से रखेंगे राउंड शेप में, ठीक है। तो ये देखिए अब बात कर लेते हैं कि थैली कितनी मोड़ कर रखेंगे, कितना आएगा इस तरीके से, इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे आप। तो ये देखिए जितना हमने पॉकेट का मुंह रखा है, जितनी जो हाथ डालने के लिए पॉकेट के लिए जगह छोड़ते हैं, जैसे कि हमने ये 6 इंच रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें 1/2 इंच और ऐड कर लेना, यानी 6.5 इंच का निशान लगाना होगा इस तरीके से। ये देखिए इसकी जो नोक है यहाँ से रखेंगे चीटे को, तो 1.5 इंच का निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस पर हम एक कट लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से ये देखिए हमने जितना ही पॉकेट की मुंह की जगह है वो 6 इंच है, तो आपको 1/2 इंच और ऐड कर लेना, तो 6.5 इंच हो गया। तो हमने ये निशान लगा दिया है। तो ये देखिए दोस्तों अब क्या करना होगा, हमें ये देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे। अब ये वाला कपड़ा जो है ये वाला यहाँ लेकर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉकेट बन गया। और बात दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं इसकी फुल स्टिचिंग का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो उस पर मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है ये पॉकेट किस तरीके से कुर्ते में लगाते हैं इसकी स्टिचिंग के। वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये पॉकेट बन गया। आप दूसरे तरीके से जिसका राउंड शेप बनाते हैं वो पॉकेट किस तरीके से रखेंगे, तो देखिए दोस्तों उसको भी इस तरीके से रखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की दोस्तों। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगर गोल घेरा है तो आप गोल बनाएं, और चौकोर घेरा है तो आप इस तरीके से बनाइए जो मैंने पहले कटिंग करके दिखाया है, इस तरीके से बनाएं। तो ये देखिए दोस्तों तकरीबन हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए उसके बाद ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये राउंड शेप आप अगर आपका चौक से या चौक की मदद से पेन की मदद से आप जो मार्किंग कर रहे हैं, अगर निशान गड़बड़ भी हो जाता है दोस्तों, तो आप इसको कैंची की मदद से सही तरीके से निशान लगाएं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर हम तिरछा दे नापेंगे इस कोने से, तो ये देखिए करीब 2 इंच पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों इस तरीके से, देखिए तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको शेप दिखा देता हूँ उसका, देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बनकर आया है। तो अब इसका भी वही प्रोसेस है जो मैंने अभी पिछले पॉकेट में बताया था, जितना पॉकेट का मुंह रखा है हमने उससे 1/2 इंच बढ़ाकर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। जैसे कि 6 इंच पॉकेट का मुंह है तो हम यहाँ पर 6.5 लगाना होगा, और उसके बाद ये देखिए दोस्तों ये हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक कट लगा देंगे इस तरीके से, ये देखिए अब हमें क्या करना होगा इस तरीके से, ये देखिए। तो ये दोनों पॉकेट बनकर तैयार हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।